हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। तो आज मैं अपने चैनल पे और एक वीडियो लेके आई हूँ विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का टॉपिक है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो कैरी बोरो ये सब तो रहता ही है। तो यहाँ मैंने एक सीबीएसई का बुक लिया है। तो यहाँ एक बिल दिया है जिसमें यहाँ बताया वन बॉल, एक बॉल का दाम है 7 रुपीज। सर तीन पेंसिल, एक पेंसिल का दाम है 2.2 रुपीज़ 50 पैसे। तो तीन पेंसिल का दाम है 7 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये कैसे, थ्री पेंसिल्स वन पेंसिल इक्वल्स टू 2.5। सो थ्री तीन बार मल्टीप्लाई, 5 3 15.3 2 6 7 7.50। 5 टॉपिक का वैसे ही 2 रुपीज़ 50 पैसे। तो यहाँ टोटल होता है 1700। वैसे ही दो और बिल है। तो यहाँ एडिशन द एड द फॉलोइंग। तो एडिशन इज़ वेरी इजी। इसमें क्या करना पड़ता है कि आपको दोनों नंबर्स ऐड करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ जो नंबर है, पहला नंबर है रुपीज़ 12 रुपीज़ 0.50 पैसे और नेक्स्ट नंबर है 13 रुपीज़। तो ये सब का ऐड, ये दोनों को ऐड करके बताना है कि कितना नंबर है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। तो यहाँ 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 पॉइंट पैसे, ये पैसे हो जाता है। उसका 3 प्लस 5 3 1 2 3 प्लस 2 1 2 3 4 5 5, 1 plus 1 plus 1 2 2 rupees, so 25 rupees 50 paise. Let's come to the next question. तो second question भी वही है, addition करना है। तो यहाँ 0 plus 0 0, 5 plus 0 5 5 plus 4 9, और 5 plus 1 6 rupees 20 paise। और एक question, 0 plus 0 0, 0 plus 5 5, 0 plus 1 1, 3 plus 3 6 rupees 61.50 हो गया। अब यहाँ subtract the following, 0 minus 0 0 5 minus 1 2 3 4 5 0, 5 5 minus 1 1 1 2 3 4 4 2 2 minus 1 1 rupees 40. Next question, 0 5 minus 0 5 3 3 minus 2 1, यहाँ 10 नहीं। तो यहाँ ये बोलता है कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, मुझे 10 बना दो। सो वॉट वील डू दैट, द नंबर वन, द नंबर बिसाइड दिस लेफ्ट साइड, इट विल गिव 1 1, it will give 1 to the next number and become 0. So the answer is 6 minus 10 which is 4, rupees 41. Next question, 0 minus 0 0, 5 minus 0 5, then 9 minus 7 9 9 minus 7, 1 2 3 4 5 6 7, 2, 2 is remaining, 2, 1 minus 1 1 rupees. Now you have 30 rupees with you. Find out how much money will be left after buying the following items. So see here, ये question में क्या बता रहा है कि मेरे पास, इस आदमी के पास 30 rupees था। अब ये बता, यहाँ तुमको find out करना है, यहाँ तुमको find out करना है कि कितना पैसा बचेगा सामान खरीदने के बाद। तो यहाँ वन बॉल का दाम बिल के पहले लिखा था, वन बॉल विच इज 7 रुपीज, तो वन बॉल का दाम हुआ 7। वन डॉल, डॉल वन डॉल का दाम, सो यहाँ वन बॉल 7 रुपीज, 7 रुपीज ईच, मतलब एक ठोका 7 रुपीज। उसके बाद यहाँ डॉल 8 रुपीज़ ईच, मतलब 1 डॉल। सो यहाँ 1 डॉल इक्वल्स टू रुपीज़ 8। सर 1 टॉय जिराफ,
one toy giraffe 6 rupees 50 paise each. तो एक ही का it's 6 rupees 50 paise. तो यहाँ total cost मतलब addition करना है. तो यहाँ हम लोग 7 8 9 7 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 7 अब 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अब 15 से प्लस 6 रुपीस 50 पैसे 50 पैसे 6 7 8 9 10 11 11. यहाँ कैरी हुआ, कैरी 1 1 प्लस 1 2. तो अक्सर कैरी में क्या होता है कि जब आप नंबर प्लस करते हैं, जैसे 5 15 प्लस 6, तो यहाँ क्या करना पड़ता है कि ये नंबर आता है 6 प्लस 5 11. तो क्या हम तो हम लोग 1 डिजिट में जो रहता है वो यहाँ बिठा देंगे और जो 10th डिजिट है वो यहाँ सेकंड नंबर को दे देंगे. सो यहाँ जब एडिशन होगा 1, तो ये भी ऐड हो जाएगा इससे 1 प्लस 1 2. और एक क्वेश्चन है 71 minus 74 minus 62 62 और 87. तो यहाँ 6 6 plus 4 10 10 plus 7 17 17 आया जिसको प्लस करने से. तो यहाँ 7 1s और यहाँ कैरी 8 plus 5 7 15 16 17 18 187. तो ऐसी टोटल कॉस्ट हुआ ₹21.50. मनी लेफ्ट, अब इसके पास तो 30 रुपीज़ था. तो यहाँ हम लोग को ढूंढना है कि उसके टोटल उसके पास था 30 रुपीज़. उसका सामान खरीदने व्हेन ही बाय दीज थिंग्स उसके पास पैसा बचा, ये सब सामान का पैसा टोटल कॉस्ट हुआ 21.50 21 रुपीज़ 50 पैसे. तो बचा कितना मनी लेफ्ट, जब लेफ्ट बोलते हैं तो सब्ट्रैक्ट, टोटल बोलते हैं तो एडिशन. तो मनी लेफ्ट इक्वल्स टू -30.00 21.50. अब यहाँ हम लोग करेंगे बोरो, 0 minus 0 0. 5 तो 0 तो 5 से छोटा होता है, तो 0 minus 5 तो कर नहीं सकते हैं. तो हम लोग यहाँ ये नेक्स्ट नंबर से 1 मांगेंगे, लेकिन 0 यहाँ भी 0 है, 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता. देन वील मूव ऑन टू 3 से कट 1 मांगेंगे, ये मांगा 1, तो यहाँ 2, ये कट 10, 1 इसको देना है तो 1 यहाँ आएगा और ये 9 बन जाएगा. 10 minus 1 which is 9, 3 minus 2 which is 3 minus 1 which is 2. तो 5 5 plus 5 equals to 10. But 9 minus 1 equals to 8, 2 minus 2 equals to 0. So the money left is ₹8.50. Now next question. 2 bananas, 1 packet of biscuits and 2 glasses of lemon juice. 2 bananas. यहाँ लिखा था यहाँ 2 1 banana यहाँ लिखा था ₹1.50 each banana. और यहाँ क्वेश्चन में 2 banana 2. तो हम क्या करेंगे 1 plus 50 plus 1 plus 50 which is 3 rupees. 2 bananas equals to rupees 3, so rupees 3. 1 packet of biscuit 1 per packet, so 1 packet of biscuits 4 rupees 50 paise. Then 2 glasses of lemon juice, 1 glass ₹3, so 2 equals 3 plus 3, which is 6. ₹6. So total equals to plus, then we'll plus
4.50 plus 6.00 plus 3.00. 000 plus 0. 5 plus 0 plus 0 equals to 5. 6 plus 4 equals to 10. 10 plus 3 equals to 13. Rupees 13.50. Money left. अब यहाँ again इसके पास था 30 rupees. Left means minus 30 rupees था. Subtract total cost of the things which is 13.50. So it's 0. We need 1. So we'll borrow from this, but this doesn't have any value. So this numbers, this 0 will borrow from 3. So when cancelled, it 3 minus 1 equals 2. This 0 will only borrow 1, not more numbers, only 1 it will borrow. So 3 minus 1 equals 2. Then we get, this 0 gets 1 here. Then it becomes 10. So here, this 0 needs to be 10. So here, 10 minus 1 equals to 9 and 1. So 5 plus 5 equals to 10. 7, 9 minus 3, 9 minus 3 equals to 6, and 2 minus 1 equals to 1. So the money left equals to rupees 16.50. Bye. Hope you like this video and it will be essential for you as addition and subtraction. And I hope that my explanation is clear to you. Thank you.